हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब कैसे हो? आई होप अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मिनट उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। अगर आप सुबह 7 से 12 के बीच रीडिंग बुक करते हो तो इतना टाइम आपको चार्जेस पहले से काफ़ी कम मिलेंगे। ओके, तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, डाउट वाली एनर्जी में हो, आपको रीडिंग की सही गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप अपना प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ओके, क्योंकि इतना टाइम 7 से 12 के बीच चार्जेस पहले से काफ़ी कम होती है, तो जाइए अगर आपको ज़रूरत है तो रीडिंग बुक कीजिए। ओके, पहले रीडिंग देख लो यार। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यही कहना था मुझे, अगर आपको रीडिंग की नीड है, ज़रूरत है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, जो कि इस टाइम काफ़ी कम मिलेंगे आपको। तो चलिए गाइस, अब आप अपने पर्सन पर फोकस बना कर रखिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए? फूल, ओके, ठीक है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो राइट ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, या तो आप इस पर्सन को कुछ समझाना चाहते हो, इस पर्सन से कुछ चाहते हो, और ये पर्सन है कि फ्रीडम वाले एनर्जी में है, केयर फ्री, केयर लेस वाले एनर्जी में। मैं इस पर्सन को राइट नाउ देख पा रही हूँ। आप चाहते हो कि थोड़ा सा सीरियस तो हो जाए यार ये पर्सन मुझे लेकर, थोड़ा सा अवेयर तो रहे, थोड़ा सा कॉन्शियस तो रहे, थोड़ा सा मुझ पर भी ध्यान दे ये। पर ये पर्सन है कि बेख्याल हो रहे हैं, बेध्यान हो रहे हैं, और जो आप चाहते हो आपको राइट नाउ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझाना चाहते हो पर ये पर्सन है कि समझने की नाम ही नहीं ले रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं आपको। ओके, क्योंकि फुल वाले एनर्जी में है ना, कहाँ पर समझेंगे। और आप ओके सोच रहे हो कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, या क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ये पर्सन इस तरह से मुझे हर्ट पहुँचा रहा है, क्यों ये पर्सन मुझे इस तरह से हर्ट पहुँचा रही है। प्यार तो उसने भी किया था, पहले तो सब कुछ सही था, काफ़ी रोमांटिक था, मिलना मिलाना काफ़ी सब कुछ बेहतर था, सब कुछ बैलेंस्ड में था। प्यार तो उसने भी किया था, प्यार तो दोनों की तरफ से बराबर ही था, अट्रैक्शन था। तो अब क्या हो गया? क्यों ये पर्सन भाग रहे हैं मुझसे, या क्यों ये पर्सन भाग रही है मुझसे, आज क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? तो गाइस, कारण ये हो सकता है कि रियल में आपके पर्सन थोड़ी सी इमैच्योर वाले एनर्जी में हैं, और जो आप चाहते हो अभी इस वक्त इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपको वो देना, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ कि मैं ये आपको दे सकूँ। ओके, तो थोड़ा सा आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एंजॉय कर लेते हैं ना, जो होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। तो तुम फ्यूचर को लेकर अभी इस वक्त क्यों इतना डिसअपॉइंट होती हो, या क्यों इतना ओवरथिंक करती हो, या करते हो? बस अभी राइट नाउ हम एंजॉय करते हैं ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा गाइस। थोड़ा सा डिले हो सकता है, साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, या कुछ दिन लग सकते हैं आपके पर्सन को सीरियस होने में, आपको वो देने में जो आप चाहते हो, पर आपको ज़रूर मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आप परेशान हो रहे हो, थिंक कर रहे हो, रो रहे हो, डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, निराश फील कर रहे हो, होपलेस वाले एनर्जी में हो, आपको इस कनेक्शन का एंड दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, या आप डाउट वाले एनर्जी में हो कि यार मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मेरे रिश्ते को, मैंने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया है, मैंने तो काफ़ी एफर्ट्स किया है, अपने आप को पूरे समर्पित कर दिया है मैंने, तो मुझे मिलेगा कि नहीं जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए इस रिश्ते से, इस पर्सन से, पता नहीं ये पर्सन मुझे जस्टिस देगा कि नहीं, यूनिवर्स से मुझे जस्टिस चाहिए तो पता नहीं ये मुझे मिलेगा कि नहीं। क्या आप इस वाले एनर्जी में हो?
कि आप डाउट कर रहे हो, कि आप रो रहे हो, परेशान हो, रात रात भर रोती हो, तड़पती हो इस पर्सन के लिए कि बस एक बार आपसे बात कर ले। मैं एक बात राइट नाउ कहना चाहूँगी आपसे, अभी इस वक्त ना आपके पर्सन की एनर्जी है, जितना आप इस पर्सन को समझाना चाहोगे ना, ये पर्सन आई थिंक आपका नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, सुन भी लेंगे तो नहीं समझेंगे। तो ये जो कर रहे हैं ना राइट नाउ, इनको करने दो। रियल में ये पर्सन को अकल आएगी, समझेंगे, मैच्योरिटी इस पर्सन में आएगी और जो आप चाहते हो वो जरूर होगा। पर अभी इस वक्त ये जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपसे दूरियां बना रहे हैं, बनाने दीजिए, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स को काफी वक्त दे रहे हैं, उनको ही समय दे रहे हैं, देने दीजिए, ठीक है। आप पेशेंस रखिए इस पर्सन को ना, आप मैच्योरिटी के साथ ही हैंडल कर सकते हो इस पर्सन को, आप पेशेंस के साथ ही काबू में कर सकते हो सही में। ओके, तो ऐसा कीजिए। ओके, अगर आप काबू में कर सकते हो ना तो वो पेशेंस के साथ ही, ठीक है। तो जो आप चाहते हो वो जरूर मिलेगा, पर पेशेंस बना कर रखिए, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी पर्सन इस एनर्जी में है कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, सुनेंगे भी फिर भी नहीं समझेंगे। ओके, एक नई शुरुआत चाहते हो आप, बिल्कुल इनका प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड ऑफर आपको दे, मीटिंग के बाद करे या कुछ तो दे, बिल्कुल आप चाहते हो गाइस। आपके लिए इमोशनल हो, इमोशनली हर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन जरूर करे आपके लिए और करेंगे भी। थोड़ा सा वक्त रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके, क्योंकि रियल में जो आप चाहते हो मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, इमोशंस है आपके लिए, पर वही है कि थोड़े से फ्रीडम लवर हैं, जिम्मेदारियों से भागने वाले हैं। अभी इस वक्त की एनर्जी तो यही मिल रही है मुझे, पर प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, वो टाइम पे आपको मिलेगा, सही वक्त पर मिलेगा, ठीक है। आपकी यूनियन भी होगी, आपकी मीटिंग भी होगी, मैरिज भी होगी, बिल्कुल जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, पर पेशेंस बना कर रखिए। राइट नाउ यूनिवर्स, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप पेशेंस बना कर रखो, जो आप चाहते हो आपको जरूर मिलेगा। और आप पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो। अगर आप सोच रहे हो इस कनेक्शन का एंड हो चुके हैं, तो नहीं, नहीं हुए हैं, ठीक है। ये आपकी पर्सन की फीलिंग्स है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी मिल रही है आपके सिचुएशन का, आपके रिलेशनशिप का। क्या ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है? तो यस, डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। आपको अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। ओके गाइस, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी।